नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, बड़े ध्यान से आप इसको सुनना, समझना और जरूर करना। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आप देखें, क्या आपका दिमाग बिना मतलब का चिड़चिड़ाता है? बिना मतलब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? कभी कोई आर्मी वाले के चक्कर में, पुलिस वाले के चक्कर में आप बिना मतलब के फंस जाते हैं? आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो तकलीफ में आ गई है, आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपकी प्रॉपर्टी है जैसे आपका खुद का मकान है लेकिन कोई किराएदार उस पर ऐसे घुस गया है जो आपका मकान खाली नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी के मतलब मामले में आप दुखी दुखी हैं। संतानों की शादी ब्याह नहीं हो रही है, बातचीत करते हैं, शुरुआत अच्छी होती है लेकिन बाद में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कई परिवारों में शादी के बाद पति पत्नी की आपस में बिल्कुल नहीं पट रही है। ऐसा कोई भी मामला है यदि आपकी लाइफ में, ऐसी कोई भी तकलीफ यदि आप भोग रहे हैं, ये छोटा सा काम है, इसको आप करना शुरू कर दो। रिजल्ट दोस्तों अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आएगा। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को दोस्तों जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, अच्छी जानकारियों को शेयर करना पुण्य का काम है, जरूर करें। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि जो गुड़ है ये मंगल से बहुत जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ है। गुड़ सूर्य से भी बहुत जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ है। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन गुड़ खाने से किस्मत चमकती है। गुड़ खा करके ये दोनों ही दिन दोस्तों पानी जरूर पिया, यदि आपके घर में भी कोई व्यक्ति आता है तो उसे गुड़ जरूर खिलाएं। सामने वाले व्यक्ति को भी गुड़ खिलाने से या जो गरीब है उन्हें गुड़ देने से, एंड स्पेशली आपकी जो बहन बेटियां हैं उनके घर में गुड़ देने से या उनको गुड़ का दान करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी। आपके तमाम रुके हुए काम बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। गुड़ बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र चीज है, गन्ने के रस से बनता है। तो इसके अंदर गन्ने का जो रस है उसमें माता लक्ष्मी, यदि आप गन्ने का रस माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न होती है। गन्ने की जड़ यदि आप लेकर के आते हैं अपने घर में तेरस के दिन, शुक्रवार के दिन, और उसको पूज करके आप तिजोरी में रख दें, तो ऐसी पूजी हुई जड़ आपके घर में माता लक्ष्मी को खींच करके लाती है, तो उसी के रस से गुड़ बनता है। तो गुड़ आपकी लाइफ में खुशियां लाता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। गुड़ हमेशा घर में होना चाहिए। गुड़ है, धनिया है, यह आपके भाग्य को चमकाता है और हमेशा माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से रहने के लिए विवश कर देता है। जब आप कोई जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हो तो अपने राइट हैंड साइड गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख करके जाए, और स्पेशली यदि वो मंगलवार है और यदि आप इस क्रिया को कर रहे हैं, आपका काम 110% होगा। बहुत बढ़िया उपाय है गुड़ का। तो गुड़ यूं कहो तो यूं आशीर्वाद रूप है। आपके घर में कभी कोई चीज मतलब ऐसा हो कि प्रसाद ना हो माता जी को अर्पित करने के लिए, तो गुड़ और धनिया मिक्स करके आप उन्हें प्रसाद चढ़ा दें, आपके तमाम काम सिद्ध होंगे। और गुड़ धनिया का प्रसाद कोई भी देवी देवता बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो आज आपको ये ऐसा ही उपाय बताने जा रही हूँ, जो मैंने अभी अभी आपको जो एक्सप्लेन किया तकलीफें, उसमें से कोई भी तकलीफ यदि आपकी लाइफ में है तो आप एक काम करें। वैसे आप कोशिश करें कि ये उपाय आप पीतल के डिब्बे में करें, यदि पीतल का डिब्बा है घर में तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं है तो फिर जो भी हो उसमें आप गुड़ रखें, बराबर। गुड़ के डिब्बे के नीचे उसकी जो सतह है, मतलब बाहर की तरफ नीचे नहीं लिखना है, अंदर की तरफ नीचे आप 9 लिख दें, 9 लिख दें। 9 आप व्हाइट रंग का एक पेपर ले लें, उस पर आप लाल रंग के पेन से 9 लिखें और उसको आप सीधे रख दें डिब्बे में, कि 9 का जो अंक है वो ऊपर की तरफ रहे और उसके ऊपर आप गुड़ रखें। 9 का अंक मंगल का है,
गुण मंगल से जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं, आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, घर का जो माहौल है बहुत जल्दी बहुत बढ़िया होता है। इस डिब्बे को अंदर मतलब उसमें गुड़ रखें, भले कम या ज्यादा जितना भी आपको रखना उतना रखें। डिब्बे को बंद करें और अपने घर के दक्षिण दिशा में रखें। जो दक्षिण दिशा है वो मंगल की है, तो इस दिशा में आप इस डिब्बे को रख दें। दोस्तों यदि कुदरत चाहेगी तो एक दिन में आपका काम हो जाएगा। और ये नहीं है कि आपका काम हो गया तो आप उस डिब्बे को वहां से हटा दें, उसको वहीं पर रखा रहने दें। तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार की रुकावटें, अड़चन जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो सिर्फ इस छोटे से उपाय से चली जाएगी, दूर हो जाएगी। करके देखिए, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।